नमस्ते जूले एंड वेलकम बैक। तो अप्रैल के इस मंथ में किन्नौर के कल्पा गांव में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुस्कर फेस्टिवल। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, रोमांचक और उत्साह से भरा भाग है वो है रावलनी। रावलनी में तीन किरदार भाग लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रावला, रावलनी और पुंदलू। परंपरा के अनुसार ये तीनों किरदार सिर्फ आदमियों के द्वारा ही निभाए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं हमारी रावलनी को। तो जैसे हम हमारी रावलनी को तैयार कर रहे हैं, वैसे ही और सारिंग वाले भी अपनी अपनी रावलनी और रावला को तैयार कर रहे होंगे। कल्पा गांव बहुत बड़ा है, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू एरिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम सारिंग कहते हैं। तो हर सारिंग के लोग अपनी अपनी रावलनी और रावला को तैयार करेंगे और उन्हें मंदिर लेकर आएंगे। रावलनी सुस्कर के आखिरी 5 दिनों में मनाया जाता है और सुस्कर लगभग 15 से 17 दिन का उत्सव होता है, जिसमें हर दिन का अपना महत्व है। कहा जाता है कि सुस्कर सावनियों को खुश करने के लिए मनाया जाता है। सावनी कंडे के देवता को कहते हैं और कंडे पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं, जहाँ ना कोई घर ना कोई गांव बसा होता है। सुस्कर की शुरुआत हमेशा रविवार यानी संडे या फिर बुधवार यानी वेनेसडे को ही होता है, और इसका जो समापन है वो सैटरडे यानी शनिवार या फिर ट्यूसडे यानी मंगलवार को ही होता है। रावलनी तैयार हो चुकी है और ये हमारा रावला भी तैयार हो चुका है। तो अब ये प्रस्थान करेंगे मंदिर की तरफ। लेकिन मंदिर की तरफ निकलने से पहले जिस घर में ये तैयार हुए हैं, उस घर के प्रांगण में रावला, रावलनी और जो स्थानीय लोग इन्हें तैयार कर रहे थे वो थोड़ा सा डांस करेंगे और उसके बाद मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो अब रावला, रावलनी और उनके साथ कुछ लोग मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल्पा का जो मंदिर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो पहले मंदिर में जा रहे हैं वो है विष्णु जी का मंदिर, जहाँ पर बाकी रावला और रावलनी भी इन्हें मिलेंगे। कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी एकत्रित होंगे और इनके साथ यहाँ पर इनका साथ देंगे पुंदलू। रावला और रावलनी यहाँ पर सिर्फ नाचेंगे और पुंदलुओं का काम है यहाँ के निवासियों को छेड़ना, उनके साथ हंसी मजाक करना, और परंपरा के अनुसार जब वो उन्हें छेड़ते हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। Thank you.
विष्णु मंदिर के बाद रावला और रावलिनी दूसरे मंदिर में जाएंगे जो कि है नागिन नारायण श्री का मंदिर। कुंदलू सिर्फ विष्णु मंदिर में ही आ सकते हैं, ऊपर वाले मंदिर में वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर डांस करने से पहले ये अपने अटायर को चेक करेंगे और अगर कुछ फिक्स करना है, कोई ड्रेस फिक्स करनी है तो वो उसको करेंगे पहले। रावला और रावलिनी दोनों ही अपने जेबों में जब वो घर से निकल रहे होते हैं तो आटा, सत्तू, राख जो भी अवेलेबल हो वो अपने जेब में डाल देते हैं और अब नागिन नारायण के मंदिर में आकर ये इसे स्थानीय लोगों पर फेंकने लगते हैं। सिमरन वहां पर एक दीजिए, ओए सिमरन वहां पीछे दीजिए।
तो अब ये उसी घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जिस घर से ये तैयार होकर आए थे, और वहाँ जाकर भी ये रात के 2-3 बजे तक नाचेंगे। एंड देन अगले दिन फिर से यही पूरा रूटीन, 5 दिनों के लिए ये पूरा रूटीन फॉलो होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।